दिस न्यूज इज ब्रॉट यू बाय एटर्नल यूनिवर्सिटी बद्दू साहिब सिरमौर। हिंदू व भगवा को आतंकवाद के साथ जोड़कर बोलना व लिखना पाप है तथा कांग्रेस ने यह महापाप किया है, जिसके लिए उसे प्रायश्चित करना होगा। यह बात ऊना जिला मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य इंद्रेश कुमार ने कही। उन्होंने कहा कि भोपाल से भाजपा टिकट पर चुनाव लड़ रही साध्वी प्रज्ञा को झूठे मामले में आरोपित किया गया था। हिंदू व भगवा तो एक सभ्यता व संस्कृति के प्रतीक है, यह तो जीवन पद्धति है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए इंद्रेश कुमार ने कहा कि कांग्रेस ने देश को आजादी नहीं बल्कि विभाजन का दंश दिया है। वर्षों से हमें झूठ बताया जा रहा था व हम भी उसी झूठ को आगे फैला रहे थे। उन्होंने कहा कि नेहरू ने जिन्ना के साथ मिलकर देश को विभाजित किया, जिसके चलते 3 करोड़ लोग विस्थापित हुए जबकि 10 लाख लोगों का कत्लेआम हुआ। बापू महात्मा गांधी ने भी देश की आजादी को जश्न का अवसर न मानते हुए इस दिन उपवास व चिंतन करने की बात कही थी। उन्होंने कहा कि पहले पाक में नारा लगता था कि कश्मीर के बिना पाक अधूरा है, अब भारत में नारा लग रहा है कि लाहौर के बिना हिंदुस्तान अधूरा है। मैं पहले पाकिस्तान को कहूँगा वह इस्लाम की कदर करना सीखे, रमजान और ईद को खूनी ना बनाए। दूसरा, कश्मीर के पत्थरबाज, गोलीबाज, गोलाबाज और सब नेताओं और को कहूँगा वह कश्मीर के अंदर रमजान और ईद पर शांति बनाए रखे तो सेना को कुछ हरकत करनी नहीं पड़ेगी, अपने आप उसका सीज फायर बना रहेगा। और हिंदुस्तान की हुकूमत ने पिछले 3 साल सेना से सीज फायर करवाया भी है और इसलिए वह रमजान और ईद के नाम पर आतंकवाद की, अलगाववाद की, कट्टरवाद की राजनीति नहीं करे, वह हिंदुस्तान, हिंदुस्तानी और हिंदुस्तानियत की राजनीति करे। देश में हिंदू आतंकवाद की बात हो रही है, कुछ नेता इस मुद्दे को, ऐसा है भोपाल में प्रज्ञा साध्वी के खड़े होने के बाद कांग्रेस ने जो 4 पाप 10 साल की हुकूमत में किए थे वो खुलकर सामने आ गए। हिंदू एक नागरिकता है, राष्ट्रीयता और मानवता है, उन्होंने उसको आतंकवाद कहकर एक भारी अपराध किया। भगवा यह भगवान सूर्य से है, संतों से है, जल कन्या से है, भारत के तिरंगे से है, जो विकास का, ज्ञान का और प्रकाश का प्रतीक है, उसको आतंकवाद कहने का पाप कांग्रेस और कांग्रेसी नेता विपक्षी दलों ने किया है। तीसरा, उन्होंने भगवा हिंदू आतंकवाद के नाम पर वर्दी का दुरुपयोग करके, षड्यंत्र करके निरपराध लोगों को फंसाने का भरपूर प्रयत्न किया। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए ऊना से मुनिंदर अरोड़ा के साथ ब्यूरो चीफ जितेंद्र कंवर की रिपोर्ट। एटर्नल यूनिवर्सिटी बद्दू साहिब सिरमौर एक वैल्यू बेस्ड शिक्षा आधारित शैक्षणिक संस्थान, गुणवत्ता सहित संस्कार मिश्रित विश्व स्तरीय शिक्षा हासिल करने के लिए आए बद्दू साहिब। छात्राओं के लिए सुरक्षित माहौल, इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स व मैथमेटिक्स, पंजाबी, इंग्लिश, मनोविज्ञान, संगीत, लाइब्रेरी साइंसेज, ICT व IT सहित BEd और नर्सिंग में अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तथा PhD की शिक्षा। सभी खर्चों सहित सालाना फीस अन्य सभी विश्वविद्यालयों से कम। कैंपस प्लेसमेंट में अग्रणी कंपनियों में छात्राओं को 6 लाख तक का पैकेज प्राप्त, साथ ही इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा के लिए अनुबंध। एडमिशन प्राथमिकता के आधार पर 70% से अधिक प्राप्त अंकों पर स्कॉलरशिप। आज ही संपर्क करें या फिर लॉगिन करें।